नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा देवी माँ और अनाथ लड़की। एक गांव में रूही और उसकी माँ रहती थी। रूही के पिता का कुछ महीनों पहले ही निधन हो गया था। तब से उसकी माँ ने गांव में सब्जियाँ बेच बेच कर अपना घर चलाती थी। उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फिर रूही की माँ की तबीयत खराब रहने लगी। वह दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी और काम ना कर पाने के कारण घर में पैसे नहीं आ रहे थे। घर में पैसे नहीं आने के कारण उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था। फिर वही ने सोचा कि क्यों ना मैं गांव में सब्जियां बेचा करूंगी। अगले दिन से उसने गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आमदनी होने लगी, जिससे उनका घर तो चलने लगा, परंतु रूही की माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वह दिन भर बीमार अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। रूही सब्जियाँ बेचकर जो पैसे कमाती थी, वह अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदने में लगा देती थी। फिर भी रूही की माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद रूही की माँ ने भी अपने प्राण त्याग दिए और रूही को अकेला छोड़कर चली गई। रूही को अपनी माँ की जाने का बहुत दुख हो रहा था। वह दुख सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन रूही एक समझदार और धैर्यवान लड़की थी। कुछ दिनों बाद फिर से उसने गांव-गांव में घूमकर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया और अपना जीवन जीने लगी। रूही माँ दुर्गा की भक्त थी। उसे जब भी डर लगता था या अकेलापन लगता था, वह माँ दुर्गा का नाम जपने लगती थी। फिर उसका मन शांत हो जाता था और वह अपने काम में लग जाती थी। वह ऐसे ही अपना साधारण जीवन जी रही थी, परंतु कुछ दिनों से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। उसे ऐसा लगता था जैसे हमेशा उसके पास कोई एक औरत होती है जो हमेशा उसका पीछा करते रहती है। वह हमेशा एक ऐसी औरत को अपने आसपास देखती थी जो एक सुंदर लिबास में होती थी, परंतु रूही उसे कभी अच्छे से देख नहीं पाती थी। लेकिन वह औरत हमेशा उन्हीं के आसपास रहती थी। कुछ दिनों तक तो रूही नहीं इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगातार ऐसे ही कई दिनों से यह चल रहा था। रूही जहाँ भी जाती थी, वह औरत उसके पीछे पीछे पहुंच जाती थी। धीरे धीरे रूही इस बात से डरने लगती है। वह जब भी उस औरत को अपने पास महसूस करती थी, वह घबरा जाती थी। धीरे धीरे उसका डर बढ़ते जा रहा था, क्योंकि रूही ने उस औरत को कई बार रात को अपने घर के बाहर भी देखा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह कैसे उस औरत से अपना पीछा छुड़ा सके। वह बस माँ दुर्गा का नाम जपते जपते अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा डरी हुई होती थी। एक दिन ऐसे ही रात को रूही माँ दुर्गा का नाम लेकर सो जाती है। कुछ समय बाद उसके घर में एक तेज रोशनी हर तरफ फैलने लगती है। उस तेज रोशनी से उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है तो हैरान हो जाती है। वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ी हुई देखती है। वह जैसे तैसे ही खुद को संभालती है और माँ दुर्गा के सामने उनके चरणों के पास जाकर बैठ जाती है। रूही को यह सब सपना लग रहा था, लेकिन फिर माँ दुर्गा कहती हैं कि रूही, तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सच्चे मन से मेरा नाम लेती थी, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना पड़ता था। वह औरत जो हमेशा तुम्हारे आसपास होती थी, वह मेरा ही एक रूप था। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। बस तुम ऐसे ही सच्चे मन से अपना काम करती रहो। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से चली जाती हैं। रूही अपने आप को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मान रही थी। वह बहुत खुश हो जाती है। वह अपना काम अब बिना किसी डर के
और ईमानदारी से करने लगती है। माँ दुर्गा की कृपा से रूही का आगे का जीवन बहुत सुख में बन जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।